हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल माय मिस आसी पे। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स मतलब कि एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत लोगों के एग्ज़ाम्स तो ख़त्म भी हो गए होंगे और बहुत लोगों के स्टार्ट होने वाले होंगे या किसी के चल रहे होंगे। तो मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, आप देख सकते हैं। ये होली के बाद होने वाला है तो मुझे काफ़ी टेंशन है, इसीलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ और अपने स्टडी पे ध्यान दे रही हूँ। जिस कारण मैंने आपको रूटीन हमें ये कल मिला है तो मैंने आज वीडियो बना दिया है और आज ये अपलोड भी हो जाएगा। तो बहुत लोग एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं या हो गए होंगे या किसी के स्टार्ट होने वाले हैं होलीज के बाद। तो आइए, मेरे एग्ज़ाम्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट सिटिंग है, सेकेंड सिटिंग, हमारे दो दो बार मतलब कि एक ही दिन में दो एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। अब ये होली के बाद है, अगर होली से पहले होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आप टेंशन फ्री रहते हो और फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन मुझे क्या कहते हैं, त्यौहार में भी अपने स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लोग की हो चुके हैं तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि आप तो अभी आपका मन शांत होगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट सेटिंग हमारा है 16 तारीख को, तीसरे महीने में 2020 में। तो जो कि पहले दिन हमारा मैथ है, जो कि सबसे हार्ड मुझे यही लगता है और सबसे मेरा कमज़ोर सब्जेक्ट मतलब कि मेरा वीक सब्जेक्ट यही है, जिसमें मैं काफ़ी वीक हूँ इसी सब्जेक्ट में और मुझे काफ़ी पसंद नहीं। संस्कृत में ठीक है, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें अस्थि रहता है वगैरह ये रहता है, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इसमें। 18 तारीख को एक दिन का आपको गैप मिल रहा है, 17 तारीख को तो हिंदी है और क्या हो जा रहा है आपका मोरल। तो मोरल भी ठीक ही है एक तरह से, इसमें काफ़ी छोटे छोटे आंसर्स रहते हैं। फिर 20 को है इंग्लिश, जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट है बहुत। अगर आपको नहीं मालूम था तो पता चल गया होगा, मेरा इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के लिए ठीक है, लेकिन इसके भी आंसर्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं। फिर 20 को कंप्यूटर है तो ये ठीक है मेरे लिए। 23 को है SST, जो कि सबसे ख़राब मुझे यही लगता है, मैथ्स के बाद मुझे ये अच्छे नहीं लगते। SST भी सो बोरिंग रहता है और काफ़ी इसमें लिखना पड़ता है, तो ये भी मुझे बिल्कुल चैप्टर पसंद नहीं। फिर 23 को साइंस है, सेकंड सिटिंग, तो साइंस भी एक बहुत हार्ड चैप्टर है मेरे लिए। फिर 25 को GK है, तो GK काफ़ी आसान होता है, GK मुझे अच्छा लगता है, GK ठीक है। फिर 25 उसी दिन सेकेंड सेटिंग आपका हो जाता है ड्राइंग, जो कि काफ़ी अच्छा है। देखिए, फर्स्ट सेटिंग आपका हो रहा है 9:30 मतलब कि 9:30 पे, फिर हो रहा है 11:30 में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड सेटिंग हो रहा है आपका 11:45 और 1:45 में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने ट्रैवलिंग बस में चढ़ जाएंगे। तो इतना ही है गाइस, ओके बाय बाय। और मैं अपने स्टडीज़ पे ध्यान दे रही हूँ इसलिए अच्छे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।